बीजेपी की ये साजिश जो है वो कामयाब होंगी। उमर साहब क्या नाम से भी सुना है कि ना, मैंने अभी गांदरबल के कागज भरे ना, आप गांदरबल की बात करें तो बेहतर होगा। यहाँ पे भी आप कैसे देख रहे हैं, क्योंकि आपके पूर्व एमएलए हैं इशफाक जब्बार, वो बाहरी और घर की बात कर रहे हैं, आपको बाहर का कैंडिडेट बता रहे हैं, और कांग्रेस के भी जो आगे वो छोड़ दीजिए ना, कौन कहाँ से है कहाँ से नहीं है, यहाँ नहीं कर सकते, थोड़ा सा आगे। गांदरबल के लोगों ने मुझे एक बार नहीं, तीन बार पार्लियामेंट के मेंबर के तौर पे और एक बार एमएलए के तौर पे, इशफाक जब्बार एमएलए तभी बने जब ये सीट मैंने उनके हवाले की। अगर 2014 में मैंने इलेक्शन लड़ा होता इशफाक जब्बार जीतते नहीं। इशफाक जब्बार अच्छी तरह से जानते हैं कि मैंने गांदरबल की सीट सिर्फ इसलिए छोड़ी क्योंकि मैंने उनको जबान दी थी, मैंने उनके साथ वादा किया था, लेकिन वो उस वादे के बराबर उतर नहीं आए, उन्होंने गांदरबल के लोगों के साथ धोखा किया। 2014 के बाद गांदरबल में जितने भी काम थे वो सारे रुक गए, इसलिए आज मजबूरन हमें जो है इशफाक जब्बार या बाकियों के खिलाफ जो है आज हम इलेक्शन के मैदान में उतरे हैं ताकि वो सारे काम जो 2014 के बाद रुक गए उनको हम दोबारा से शुरू करें और गांदरबल में एक नई तरक्की का दौर जो है वो शुरू हो जाए। टेबल दवाई थी, टेबल दवाई थी, तमाम नेशनल कॉन्फ्रेंस के जोमा इकराम, योर आमद माजो बेनियो बायो बुजुर्गो कोई शायर नहीं, अस्सलाम वालेकुम। बस 16 साल हो गए मुझे, 16 साल पहले इसी तरह मैं गांदरबल आया, मैंने कागज भरे और गांदरबल के लोगों ने मुझे बसाते एमएलए आपकी नुमाइंदगी और आपकी खिदमत करने का एक मौका दिया। आज 16 साल के बाद मैं दोबारा अपने आप को गांदरबल के लोगों के सामने पेश कर रहा हूं, इस उम्मीद के साथ कि जिस तरह 16 साल पहले मुझे आपकी खिदमत करने का मौका मिला, उसी तरह आज दोबारा आपके एमएलए के तौर पे
आपके खादिम के तौर पे, आपके नौकर के तौर पे मैं आपकी खिदमत करूं, आपके लिए काम करूं। कहने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन आने वाले दिनों में जब यहां हमें सारा सियासी माहौल का पता चलेगा, उस वक्त हम लंबी बातें करेंगे, जमात के मंशूर के हवाले से बात करेंगे, दिल्ली की साजिशों के हवाले से बात करेंगे, गांदरबल के तरक्की के लिए जो हमारा प्रोग्राम है उसके हवाले से, और आप जो गांदरबल के नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्कर हो, जो 2016 के बाद यहां पिस गए, जिनको किसी ने पूछा नहीं, जिनके जख्मों में किसी ने मरहम लगाया नहीं, जिनकी तकलीफों को किसी ने हल किया नहीं, इंशाल्लाह उन सब चीजों की बातें आने वाले 2-3 हफ्तों में हम करेंगे। लेकिन आज मैं सिर्फ एक बात करूंगा, म्यून दस्तार, म्यून यजत, म्यून ये टूप, ये करो मशवर, करो पानून कैंपेन प्रोग्राम शुरू, इंशाल्लाह 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 अगर हमने एक लगाम को पकड़ा, अगर हमने एक रस्सी को पकड़ी, अगर हमारी अल्लाह ताला के ऊपर हमारी नजर और हमारा भरोसा पूरा रहा, इंशाल्लाह जीत हमारी होगी। अल्लाह ताला आपको हमेशा अपनी हिफाजत में रखे, आपके घरों को आबाद रखे, आप सबको सलामत रखे। बहुत बहुत शुक्रिया।